तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। ये एक अच्छा सा सवाल है और ये ईएमआई का ही है, लेकिन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन जनरली मैं तो क्लास में करवा देता हूँ, तो बच्चे तो मेरे करके आए थे, लेकिन चलिए मैं आपके लिए करता हूँ इस क्वेश्चन को। कहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है आपको पता होगा भाई, एक कॉइल में करंट फ्लो कराओगे तो दूसरा उसका अपोज करेगा। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। व्हेन स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर प्लेस इन अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ एल, मतलब ये जो एल है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज सेंटर पे, मतलब ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड है, और मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड है और इस ये एक पॉइंट लूप एक पॉइंट की तरह लगभग लगभग ट्रीट होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड है ओ पॉइंट पे, उसी रीजन में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना अपोज करेगा ये सर्कुलर लूप, यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये सारे कोप्लेनर हैं, मतलब एक ही प्लेन में रखे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं करंट फ्लो कराता हूँ कौन से कॉयल में, बाहर वाले स्क्वायर वाले करंट में, इसमें अगर मैं करंट फ्लो कराता हूँ, आप किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दो, ठीक है ना, इसमें करंट आई फ्लो करा दो, तो अगर इसमें करंट आई फ्लो करा दोगे तो ये अपोज करेगा, और जब ये अपोज करेगा कौन वाला, सर्कल वाला अपोज करेगा, और इस अपोजिशन को ही हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक ना। तो चलो, तो इस अपोजिशन को अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं तो इसको मैं निकालता हूँ। सबसे पहले आप स्क्वायर का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पर निकालो। अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ तो ये स्क्वायर है, और स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है वो मैं निकालूंगा। अगर मान लेते हैं इसमें करंट आई है, सेंटर ओ है, तो ये एक फिनिट वायर है, और फिनिट वायर का मैग्नेटिक फील्ड ये एंगल कितना होता है भाई, तो ये एंगल अगर देखोगे तो ये एंगल 45 है, तो ये भी कितना है 45 है, और ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस L/2 है, और ये पूरा का पूरा L है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा L है, यहाँ से तुम देख रहे हो ये वाला, और ये जो है दिस डिस्टेंस इज बेसिकली दिस डिस्टेंस इज L/2 जो डीप में बना दिया। तो अब याद करो जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया गया है ड्यू टू फिनिट वायर वो है KIR, ठीक है, sin θ1 प्लस sin θ2। बहुत फेमस फार्मूला है कि अगर एक वायर है इसमें करंट आई फ्लो हुआ है तो आर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ओ पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस वायर की वजह से, ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको मैं अप्लाई करूँगा और मैं एक वायर का लगा एक साइड का निकालूंगा, और ऐसे चार साइड है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी चार गुना होगा, क्योंकि सभी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और वो इनवर्ड है, ठीक है। तो चलो, इसका मतलब ये हुआ कि 4 टाइम्स बी की वैल्यू म्यू नॉट 4π, यहाँ से रख देता हूँ, करंट आई एज्यूम कर लिया हूँ, और रेडियस यहाँ से L/2 है ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ से 2 टाइम्स sin 45 sin 45, तो sin 45, तो दिस इज़ द बेसिकली क्या भाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इसको कट जाएगा 2 टाइम्स यहाँ से, और ये टू इससे कट गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से, बेसिकली अगर यहाँ से देखोगे तो 4 टाइम्स म्यू नॉट आई पाई एल, ठीक है ना, ये टू कट गया, और ठीक है sin 45 1/√2 इसके बराबर आ जाएगा। और अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, रेशनलाइज करोगे, तो ये यहाँ से ये टू टाइम्स कट जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी, जो पूरा स्क्वायर बनाएगा, वो आ जाएगा 2√2 μ0 I πL। तो 2√2 यहाँ से तुम देखोगे 2√2 यहाँ से μ0 I μ0 I, और ये आ जाएगा πL, ठीक है। तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये पूरे का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर सेंटर पर देखोगे तो फ्लक्स एसोसिएटेड इससे जो सर्कल वाला लूप है
वो कितना अपोज कर रहा है, तो उसके साथ अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालोगे तो आई होप कि आपको फार्मूला पहले से पता होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉयल मल्टीप्लाइड बाई म्यूचुअल इंडक्टेंस करेंट इन द आउटर कॉयल। तो यहाँ से तुम देखोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस द फ्लक्स एसोसिएटेड टू कॉयल टू और करेंट इन कॉयल फर्स्ट। तो करेंट इन फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बी, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बी ए कॉस थीटा कॉस जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक एरिया वेक्टर ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है। बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट कॉयल एरिया वेक्टर ऑफ दो और ये करेंट इन फर्स्ट कॉयल। अब यहाँ तुम देखोगे मैं कॉस जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉयल जो स्क्वायर लूप है उसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो टू रूट टू म्यू नॉट और करेंट कॉयल में था आई और यहाँ से एरिया सर्कल का एरिया आ जाएगा मतलब पाई आर स्क्वायर और मैं यहाँ डिवाइड कर दूँ करेंट इन दूसरे कॉयल में आई, तो ये आई इस आई को ख़त्म कर दिया। तो फाइनली अब तुम यहाँ देखोगे म्यू नॉट आई और यहाँ से पाई एल, तो ये पाई इसको ख़त्म कर दिया तो ये टू रूट टू म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन एल। तो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस एसोसिएटेड आर द सर्कुलर लूप, जो सर्कुलर लूप सेंटर पे है वो इतने से अपोज करेगा वही उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो चलो फाइनली हम मैच कर लेते हैं कि टू रूट टू, देखो टू रूट टू ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं होगा, टू रूट टू म्यू नॉट आर स्क्वायर एल है तो मतलब सी ऑप्शन सही है, ये भी गलत है। तो आई होप कि मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।